Hello and welcome to Study Support. Our topic is India location and size. This is the first unit of physical geography. Look, geography can be divided into two parts. One is physical, the other is human, which comes social and economic. Physical geography, you study in this. Mountains, plains, climate, natural vegetation. That is, all things that nature has made, nature related, we study in physical geography. उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं एक तो सोशल और दूसरा इकोनॉमिक. सोशल में जैसे हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हम इसमें माइग्रेशंस पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इंडस्ट्रीज, लाइक ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. तो ज्योग्राफी को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक फिजिकल और एक ह्यूमन. ओके, तो उसके बाद आप देख लीजिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आप इंडिया लोकेशन एंड साइज है पहला यूनिट, दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा है ड्रेनेज, फोर्थ इज क्लाइमेट, एंड फिफ्थ इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया लोकेशन एंड साइज. तो पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन, यानी इंडिया की लोकेशन ऑन वर्ल्ड मैप कहाँ पे है. देखिए, पहला पॉइंट मैंने रखा है नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर. ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिये, दिस इज द वर्ल्ड मैप. ये दो लाइनें हैं, एक ये देख लीजिए 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और एक लाइन है दिस 0 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. जो इक्वेटर, ये वाला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं इक्वेटर. तो इसके ऊपर, यानी इक्वेटर के ऊपर जितने भी जो भी हिस्सा आता है अर्थ का, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर, और जो इसके साउथ में आता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिसफेयर. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, सो इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर. सिमिलरली जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन वाला, तो इसके वेस्ट में जो कंट्रीज आती हैं या वेस्ट में जो पोर्शन आता है अर्थ का, उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिसफेयर, और ईस्ट साइड में बोलते हैं ईस्टर्न हेमिसफेयर. तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं इंडिया इज इन द ईस्टर्न. सो इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एज वेल एज इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर. सो ये क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट. उसके बाद इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं. देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सिक्स्थ का टॉपिक है. लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यहाँ पे इंडिया के क्या लैटिट्यूड्स हैं और क्या लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो आपको एक फैक्चुअल नॉलेज है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है. तो इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ, एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. उसके बाद जो इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स हैं, हमेशा के लिए आपको याद रखने हैं. उसके बाद आप देख लीजिए तीसरा पॉइंट जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड जो है वो इंडिया को डिवाइड करता है ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, आप अगर देख सकते हैं ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, तो यहां से इस मैप से आपको ये क्लियर होता है कि ऑलमोस्ट दो हिस्सों में इंडिया बढ़ जाता है. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इन टू इक्वल पार्ट्स. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू आइलैंड ग्रुप्स है हमारे, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है बे ऑफ बंगाल में. उसके बाद है लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरबियन सी में. ये देख लीजिए, यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे अरबियन सी में है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप. तो हमने देखा लोकेशन है इंडिया की नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिसफेयर और ईस्टर्न हेमिसफेयर में. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिसफेयर और ईस्टर्न हेमिसफेयर में. उसके बाद हमने देखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और उसके बाद हमने देखा अंडमान और निकोबार हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स हैं. अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और अरबियन सी लक्षद्वीप. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन. अब हम जाएंगे इंडिया के साइज पे. देखिए, इंडिया का साइज जो है, एरिया जो इंडिया का है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो ये आ जाता है वर्ल्ड का 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया. इसी वजह से इंडिया बनती है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब एरिया जो इंडिया का है ये आप कैसे याद रख लीजिएगा. देखिए, जब मैंने याद किया था तब इंडिया की 28 स्टेट्स थी, तो मैंने ऐसे याद रखा था 3, तो आप याद रख लीजिएगा. उसके बाद जो 0.28 यानी 28 स्टेट्स, आज 29 स्टेट्स हैं, बट अगर आप याद रख सकते हैं
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये वर्ल्ड का आता है 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, विच मेक्स इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितनी है इंडिया की। देखिए नॉर्थ टू साउथ इंडिया की जो डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट है 2,933 किलोमीटर, तो ये ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर सेम आ जाता है। ऑलमोस्ट दोनों हैं, ईस्ट वेस्ट 3,000 किलोमीटर, साउथ वेस्ट भी है 3,000 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ है 3,214 किलोमीटर। इसको याद रख कैसे रख लीजिएगा आप, देखिए मैंने यहाँ रखा है मंत्रा, ठीक है, वॉवल्स को आप भूल जाइए, ये देख लीजिए 3, तो जो एम है मंत्रा का एम, उसके 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, ओके, तो उसके बाद वॉवल को भूल जाइए, उसके बाद 2 है तो यहाँ देख सकते हैं आप एन में 2 है, उसके बाद 1 टीक 1 जैसा है, उसके बाद 4 यानी आर, ओके, तो मैंने अपने याद रखने के लिए यही याद रखा है और मुझे हमेशा याद रहता है ये 3, 2, 1, 4 मंत्रा से मुझे हमेशा याद रखता है। तो उसके बाद इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर, ओके। उसके बाद जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री क्या है, जो हमारे नेबर्स हैं उसके साथ हमारा लैंड कितना, ये देख लीजिए ये हमारे नेबर्स हैं तो इसके साथ हमारा लैंड कितना कितना डिस्टेंस है, वो है 15,200 किलोमीटर, और उसके बावजूद हमारा है कोस्ट लाइन, ये देख लीजिए ये है कोस्ट लाइन, ओके, कोस्ट लाइन यहाँ पे भी है, इनका भी है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का है और मेन लैंड का भी है, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है हमारी कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर, उसमें मेनलैंड का आता है 6,100 किलोमीटर और आइलैंड्स का आता है 1,417 किलोमीटर। गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसका है, दैट इज द गुजरात और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिएगा, 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है वहां पे एक टैपरिंग टेंडेंसी है, व्हाट इज दैट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ऑलमोस्ट यहां पे 22 डिग्री लैटिट्यूड है और यहां से आप देख सकते हैं लैंड कम हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे नीचे, तो इसको बोलते हैं टैपरिंग टेंडेंसी, सेम लाइक कून, कून का जो ऊपर वाला विड्थ होता है वो ज्यादा होता है, उसके बाद नीचे जब जाते हैं तो वो उसको उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, तो इसको बोलते हैं टैपरिंग टेंडेंसी। सो 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो उसके नीचे नीचे इंडिया की टैपरिंग टेंडेंसी है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ओके, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये देख लीजिए यहाँ मीरपुर उत्तर प्रदेश में है, पासिंग थ्रू मीरपुर मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आता है उसको लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, जो यहाँ पे टाइम होगा उसको लेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो जो हमारा टाइम है इंडिया का वो है 5.5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी, जीएमटी इज द ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। सम मोर पॉइंट्स, लोवेस्ट पॉइंट हमारा है इंदिरा पॉइंट, अगर मेनलैंड इंडिया में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ है कन्याकुमारी, लेकिन अगर आइलैंड्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा हमारी कंट्री का वो यहाँ जे एंड के में है, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। लोवेस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल जे एंड के में। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज यूनियन टेरिटरीज, लार्जेस्ट स्टेट्स एरिया वाइज हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू गुजरात, इट पासिस थ्रू राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। तो ये 8 स्टेट जो है इनका आप याद रख लीजिएगा, आप पास कीजिए अपने बुक पे लिख लीजिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उसके बाद इंडिया नेबर्स देखते हैं हम, इंडिया के नेबर्स सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड हियर यू सी श्रीलंका। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अफगानिस्तान इज ऑल्सो अवर नेबर, बट इट इज अवर नेबर, सी मैं दिखाता हूँ कैसे हैं, सी दिस इज द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, दिस इज जे एंड के इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, यहाँ आप देख लीजिए अफगानिस्तान का एक
लैंड स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे हमारे J&K यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के साथ टच करता है। सो हम लेते हैं इस, तो हम तो ये हमारा नेबर हो जाता है अफगानिस्तान। फिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अफगानिस्तान इज ऑल्सो अवर नेबर, बट अफगानिस्तान इज आवर ऑल्सो अवर नेबर, चाइना इज आवर नेबर, पाकिस्तान इज आवर नेबर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये हमारे नेबर्स हैं। हमारे नेबर्स पे कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे आप देख लीजिए बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा लेंथ इसी की है बॉर्डर की हमारे, कितना है वो है 4096.7 किलोमीटर, और ये 5 स्टेट्स के साथ टच करता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऐसे ही चाइना का भी आप देख लीजिए सेकंड है इसका लार्जेस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान का थर्ड है, तो आप देख लीजिए ये आप याद कर लीजिएगा और कितने स्टेट्स के साथ मिलता है और कौन कौन सी वो स्टेट है। आप देख लीजिए यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सबसे कम है 106 किलोमीटर हम इसका जो बॉर्डर है हमारे साथ मिलता है, और ये एक ही स्टेट के साथ टच करता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये आप याद कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश का आप याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा हमारा बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन एक है, ओके, कुछ लाइन्स हैं, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन। रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देयर इज वन मोर लाइन दैट इज कॉल्ड द दुरंद लाइन, इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं रिलेटेड टू इंडिया, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दुरंद लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगे।